हेलो दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल सरकारी अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों जिन लोगों का ग्रुप डी में मेडिकल और डीबी हो चुका है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों रेलवे द्वारा ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम आपको विस्तृत में बताने वाले हैं पटना की RRB ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस बोर्ड नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। लेके चलते हैं RRB पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां पे ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसी की जो फ्रंट पेज दिख रहा है इसी पे आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले फिल डाउन करना है आपको, नीचे वाले यहां पे एक नोटिस बोर्ड दिख जाएगा आपको। देखिए हम आपको फिल डाउन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिस जो कि 13 मई को दिया गया है, और यहाँ पे आपको सेकंड वाले पे आपको क्लिक करनी है। तो जैसे आप सेकंड वाले यहाँ पे लिखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आपको ओपन कर लेना है। जो कि हमारा पहले से डाउनलोड है तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो चुका है, इसको हम आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड दिया है नोटिस। तो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द देयर मेरिट इन द CVT कंडक्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CE No. 2/2018 फॉलोड बाई मेडिकल एग्जामिनेशन इज अंडर प्रोग्रेस अंडर द कोऑर्डिनेटर नेशन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ऑफ वायरस रेलवे। तो देखिए रेलवे द्वारा जो DB कराया जा रहा है CE No. 2/2018 विज्ञप्ति संख्या दी गई है, तो वहाँ का मेडिकल और DB कराए जा रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर एडवाइज दैट आफ्टर कंप्लीट ऑफ DB मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरियड आउट बाई रेलवे हॉस्पिटल। तो इन्होंने कहा जो आप लोगों को सलाह दी जाती है कि जो कैंडिडेट DB और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जा रहे हैं वो रेलवे के हॉस्पिटल में बुलाए जा रहे हैं। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फी 16 ओनली। तो देखिए यहाँ पे कई जगह हमने अभी आपको वीडियो में बताया था कई लोगों से, तो 24 रुपये लिए जा रहे थे, तो दोस्तों ऑफिशियली 16 रुपये लगने हैं जो कि आपको पे करने हैं। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी कोई भी रुपया पे नहीं करना है, रेलवे द्वारा बताया गया है। देयर आर नो अदर चार्ज टू बी पेड टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना है। इन देयर केसेस देयर इन इन्वेस्टिगेशन लाइक ए CT स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन सॉरी अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल आउट ऑफ रिएक्टिव आई सर्जरी ETC हैव टू कैरिड आउट ऑफ फॉर विच नेक्सेसरी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द रेलवे हॉस्पिटल देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन कैंडिडेट हैव टू मेक रिक्वेस्ट पेमेंट टू द कंसर्न्ड लेबोरेटरी हॉस्पिटल। तो इन्होंने कहा है कि जो आई स्कैन है CT स्कैन है जो कई हॉस्पिटलों में उपलब्ध नहीं है, तो आपको बाहर से कराना पड़ेगा जिसका पे, या फिर वो जो लोग करा वो हॉस्पिटल में कराएंगे तो आपको पे देना पड़ेगा इसके लिए। कैंडिडेट में जो नॉट दैट आल द रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी बाय रेलवे इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस ओनली कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट टू एनी अथॉरिटी अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फी ऑफ 16। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कैंडिडेट को किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी यानी रेलवे के कैंडिडेट जो भी कर्मचारी है किसी को भी 16 रुपये यानी 16 रुपये से ज़्यादा चार्ज पे नहीं करना है, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी से हो के कोई भी किसी का भी मालिक कुछ भी बताता रहे कि हम यहाँ के कोई भी ऑफिसर हैं तो भी आपको कोई भी रुपया पे नहीं करनी है, ओनली 16 रुपये पे करनी है वही चार्ज है। कंप्लेंट्स इज एनी ऑन द एडो मे टू थ्रोड टू द नोटिस ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न्ड रेलवे SR डिविजनल प्रोविजनल ऑफिसर डिविजनल प्रोविजनल ऑफिसर ऑफ द डिविजन ऑफ द एंड चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ऑफ द कंसर्न्ड रेलवे। तो इन्होंने कहा आप कंप्लेन डिविजनल प्रोविजनल ऑफिसर को
या डिविजनल पर्सनल ऑफिसर को या फिर डिविजनल चेयरपर्सन को भी आप या फिर रिक्रूटमेंट सेल में भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, कोई भी आपका चार्ज पे एक्स्ट्रा मांगे तो। देखिए यहाँ पे 13 तारीख को ये नोटिस जारी कर दिया गया, यहाँ पे 13 तारीख दिख रहा है, और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी रेलवे द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ का तक का आज का ये नोटिस था, और कोई भी अपडेट्स आती है तो मैं आपको तुरंत ही सूचित कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।